फूडीज़, मैं आपका अपना फूडी राहुल, और मैं निकल पड़ा हूँ आज एक यूनिक फूड की तलाश में अपने घर से। और मैं हूँ अभी द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन पे, जा रहा हूँ मैं कुछ फूड को सर्च करने के लिए। और आज का जो ये व्लॉग है, तो ये आज का जो व्लॉग है वो मैं सोलो शूट करूँगा और फाइंड आउट करूँगा यूनिक एंड बेस्ट फूड इन करोलक एंड पहाड़गंज। तो मेट्रो आ गई है, चलिए चलते हैं। आ गए हैं करोल बाग में, अभी मेट्रो स्टेशन से मैं नीचे उतर रहा हूँ। और ये जो करोल बाग है काफ़ी हैपनिंग प्लेस है, तो चलिए यहाँ पे चल के एक्सप्लोर करते हैं। तो हम आ गए हैं करोल बाग मेट्रो स्टेशन, अभी हम यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं और चलिए चलते हैं यहाँ पे मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं, कुछ यूनिक फूड टेस्ट करते हैं यहाँ पर। फूडी जब बात आती है स्ट्रीट फूड की, तो करोल बाग एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको वाइड वैरायटी स्ट्रीट फूड तो मिलेगा, साथ में एक ना स्ट्रीट फूड की एक न्यू इनोवेशंस मिलेगी। और हम आ गए हैं बालाजी सैंडविच, ग्रिल सैंडविच के यहाँ पे, और हमने अभी देखने वाले हैं यहाँ पे बनते हुए चीज़ ग्रिल सैंडविच। तो यहाँ ये रेडी हो गया हमारा चीज़ ग्रिल्ड सैंडविच, और इसकी प्राइस है 70 रुपीज़। जब बात आती है कुछ फूड में इनोवेशन की, करोल बाग एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको जो है ना फूड की एक जो है ना बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी। साथ में यहाँ पे ना बहुत जो पॉपुलर है वो स्ट्रीट फूड ही है। यहाँ पे कैफेज़ और जो है ना काफ़ी सारे वेंडर्स हैं जहाँ पे जो है ना आप फूड ट्राई कर सकते हैं। आज मैं निकला हूँ करोल बाग में यूनिक फूड की तलाश में, और मुझे यहाँ पे ना मेट्रो स्टेशन से उतरते ही गेट नंबर 7 के साथ में बालाजी ये ग्रिल कॉर्नर मिला है, और यहाँ पे जो ना ये फेमस है अपने चीज़ ग्रिल सैंडविच के लिए, तो मैं वही ट्राई कर रहा हूँ। बहुत फ्रेश है, मेयोनीज़ और चीज़ से फुली लोडेड है, मज़ेदार। जैसे ही आप फर्स्ट बाइट लेते हैं तो आपको जो ना ये देख रहे हैं कितना ज़्यादा ऊजी है चीज़ और म्योनीस से, तो आपको बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है कैप्सिकम और ऑनियन का, और इसकी कॉस्ट है 70 रुपीज़ ओनली। रिकमेंडेड प्लेस है, ये है हमारी फर्स्ट फूड डेस्टिनेशन करोल बाग। इसके बाद मैं चलता हूँ आगे और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये कि ये कितना ज़्यादा हैपनिंग प्लेस है, और यहाँ पे आप जो है चीप एंड बेस्ट प्राइस में मतलब कितना फूड ट्राई कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे और कुछ और ट्राई करते हैं। आज एक्चुअली चैलेंज वही है 500 रुपीज़ वाला, कि हम 500 रुपीज़ में कितना मैक्सिमम खा सकते हैं। और आज जो है ये जो व्लॉग है वो सोलो शूट कर रहा हूँ मैं,
तो देखते रहिएगा कहाँ कहाँ जाना होगा। मैं आ गया हूँ अपनी सेकंड फूड डेस्टिनेशन पे और मैंने लिया है ये रबड़ी फलूदा का जो है ग्लास और ये 60 रुपीस का है और दो लस्सी बहुत सेटिस्फाइंग है। ठंडा ठंडा मीठी मीठी रबड़ी और ये फलूदे के साथ। तो ये मेरा जो है करोलबाग फूड टूर का सेकंड जो है डेस्टिनेशन है। इससे पहले मैं अभी वहाँ चीज़ ग्रिल सैंडविच टेस्ट किया था, चीज़ ग्रिल सैंडविच। तो ये ठंडा ठंडा फलूदा खाने के बाद जो है ना चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। और ये काफ़ी क्राउडेड प्लेस है, जस्ट मेट्रो स्टेशन के साथ में ही हूँ आंटीज पास्ता के साथ में। काफ़ी कुछ खाना पीना रहेगा इस ब्लॉग में। तो आपको जो है कौन सी फूड डेस्टिनेशन सबसे अच्छी लगती है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में मुझे ये बताइएगा कि आपने यहाँ पे आके करोलबाग में क्या क्या टेस्ट किया है। यहाँ पे छोटे बड़े वेंडर्स बहुत सारे हैं और ये फेमस है अपने क्लोथ्स के लिए और स्ट्रीट फूड के लिए। और स्ट्रीट फूड में देखिए की कॉस्ट कर दी है 120 रुपीज़, जिसमें मेरे को मिला है मंचूरियन और चिली पटेटो और साथ में नूडल्स। ये जो जगह है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, छोटी सी जगह में काफ़ी कुछ है। यहाँ पे जो है ना आपको चाइनीज़ प्लेटर के साथ साथ जो है ना दिल्ली की जो है ऑथेंटिक चाट वगैरह भी मिलेगी, साथ में जूसेस वगैरह भी हैं। तो ऑल एंड ऑल ये जो फूड कॉर्नर है काफ़ी कुछ प्रोवाइड करता है फूड में, स्ट्रीट फूड में। और जगह छोटी होने की वजह से जो है ना एक छोटी सी टेबल और एक छोटी सी चेयर पर जो है ना ये चाइनीज़ जो है मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये 120 रुपीज़ का प्लेटर है। और ये स्टीमी मंचूरियन फुल ऑफ फ्लेवर्स। और यहाँ पर हैं हम आज रविराज दी कुल्फी के पास, तो यहाँ गफार मार्केट के सामने रविराज दी कुल्फी टेस्ट करने के लिए। और ये भी स्ट्रीट फूड में ही आती है। तो 40 रुपीज़ में दिए ये टूटी फूटी कुल्फी। और यहाँ टूटी फूटी के अलावा जो है ना काफ़ी सारे फ्लेवर्स हैं कुल्फी के। और ये सिर्फ फेमस इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है इन्होंने इनोवेशन किया है ये स्टिक वाली कुल्फी में। यहाँ की चहल पहल कितना ज़्यादा रश है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है कफार मार्केट, जो कि फेमस है अपने मोबाइल शॉप्स और इंपोर्ट के जो है अप्लाइंसेस एंड प्रोडक्ट्स के लिए।
ये देते हैं, ये न्यूट्री कुलचा, साथ में तंदूरी नान, दाल मखनी, शाही पनीर, राइस और ये मुगलाई चाप। और ये सारा सब कुछ जो है ना, ये 120 रुपीस का प्लेटर है। बनते हुए देखा था तो मेरे को बहुत अच्छी महक आ रही थी जब ये बन रहा था, तो मैं इसको मुगलाई चाप के साथ ट्राई कर रहा हूँ। ये देखिए, वाह मज़ा आ गया, खाने में बहुत बढ़िया है, काफ़ी सॉफ्ट है ये न्यूट्री कुलचा, इसका अपना फ्लेवर है, काफ़ी स्पाइसी है और मुगलई चाप के साथ तो ये और ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। यहाँ पे ना करोल बाग में स्ट्रीट फूड की इतनी अच्छी वैरायटी है कि आप खाते खाते थक जाएंगे, पर ये जो है स्ट्रीट फूड में जो ये वैरायटी है वो ख़त्म नहीं होने वाली है। हम मॉर्निंग में चले थे कुछ खाने के लिए, कुछ स्ट्रीट फूड की सर्च में, यूनिक फूड की सर्च में, और अभी बज रहे हैं शाम के 4 बजे। मैं ये जो है लंच कर रहा हूँ और फूडीज़ वैल्यू फॉर मनी है, खाने में बड़ा मज़ेदार है। फूडीज़, आपको ये वीडियो कैसी लगी यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में ना बता देना, और आपको ये जो ब्लॉग है अगर आप मेरे साथ जो है ना ज्वाइन करना चाहते हैं फूड टेस्टिंग के लिए तो आप आ सकते हैं, यू वेलकम। ये व्लॉग आपको कैसा लगा वो भी मेंशन कीजिएगा। तो अब हम शाही चाप कॉर्नर से थोड़ा आगे चल पड़े। अब शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं निकल पड़ा हूँ अपने घर के लिए। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, नए हैं तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए फूड डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन बाय।